भारतीय किसान यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर कचहरी मेन गेट पर किया गया विशाल धरना प्रदर्शन। अब खबर विस्तार से। अयोध्या किसान यूनियन अराजैतिक सर तहसील के सामने तिकोनिया पार्क अयोध्या में जिला अध्यक्ष अरविंद यादव और महिला जिला अध्यक्ष सुमन पांडे की अध्यक्षता में पुरानी समस्याओं को लेकर एक मीटिंग कराई गई, जिसमें पंचायत में कोई प्रशासनिक अधिकारी न आने की वजह से किसान यूनियन के लोग उग्र होकर के सड़क पर उतर आए और तिकोनिया पार्क से निकलकर पैदल मार्च आंदोलन करते हुए कलेक्ट्रेट गेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दिया गया। मौके पर वहीं एसडीएम ने आकर प्राथमिकताओं को सुना और मांगों को सुना और 6 लोगों ने 6 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा। किसान नेता फरीद अहमद ने कहा कि अगर समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द ना हुआ तो किसान यूनियन अराजनैतिक और राजनैतिक बड़ा आंदोलन करेंगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं किसान समस्याओं के मुद्दे जिले भर में पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड न बन पड़ना और बंद पड़े इंडिया टुडे मार्क 2 का नल बंद होना, दूषित पानी देना, नगर निगम द्वारा सफाई न होना, कई सरकारी चक्रोड पर अतिक्रमण खाली कराना। आंदोलन में श्री राम वर्मा, फरीद अहमद, नगर अध्यक्ष अजय यादव, डॉक्टर रामजन, राजेंद्र वर्मा, राम प्रकाश शर्मा, योगेंद्र प्रसाद साहू, संगीता, निर्मला, धर्मशीला, कांति, शांति और शीला आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हमारा सरकार यहाँ के प्रशासन के लोग लाली दे रहे हैं, सरकार द्वारा आपदा के लिए जिला में भेज महिला समय दे रहे हैं और ऐसे से 2 महीने से दे रहे हैं, तो इनके समय देने से हमको क्या विश्वास या क्या गारंटी है इनकी? फरीद अहमद, जिला मीडिया प्रभारी अध्यक्ष। यहाँ मांगे 5 मांगे हैं लगभग, और उस पर अभी तात्कालिक रूप से प्रयास करेंगे सभी समस्याएं सॉल्व हों। ठीक है, मुख्य मांगे क्या? मुख्य मांगे हैं कुछ जिला पूर्ति अधिकारी को लेकर के हैं और कुछ छोटी छोटी मांगे हैं, जैसे नलकूप की समस्या है और कुछ ये सर अच्छा घरौनी दर्ज का है और कुछ ये जो आवास इनका गिर गया है एक लोगों का, उनकी मांग है कि कुछ उनको राहत मिले। आपकी तरफ से क्या आश्वासन है? आश्वासन है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी समस्याएं त्वरित गति से सॉल्व हों।